हेलो, मेरा नाम दीक्षा खोलिया है। मैं मुलुंड की रहवासी हूँ। थोड़े वक्त पहले, कुछ 3 महीने पहले आज से मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। एंड कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मेरी हेल्थ बहुत डिटोरिरेट हो गई थी। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे कि ब्रीथिंग इश्यूज थे, कफ था, फीवर था, फीवर डाउन नहीं हो रहा था। सर्दी भी बहुत हो गई थी मुझे, एंड उससे भी ज्यादा वीकनेस हो रही थी। इनिशियली तो हम सब डर गए थे। उसके बाद हमें कोई हॉस्पिटल में प्लेस नहीं मिल रहा था। देन वी केम टू नो अबाउट आस्था हेल्थ केयर। आस्था हेल्थ केयर तभी कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर हुई थी, तो हमको वहाँ इजीली बेड मिल गया। मैं वहाँ पर कुछ 10 डेज के आसपास एडमिट थी। मुझे बोला गया था कि 12 to 14 डेज का कोर्स होता है। बहुत डरी हुई थी मैं। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, तो उनको लेकर के मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मुझे पॉजिटिव आया तो उन लोगों को भी शायद पॉजिटिव होगा। बट लकीली वो लोग सारे लोग नेगेटिव थे, मेरा अकेले का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वहाँ पे एडमिट होने का और एक डर ये भी था कि कोई फैमिली मेंबर देखने नहीं आ पाएंगे, कैसा होगा, डॉक्टर कैसे होंगे। बट डॉक्टर मनीष मोटवानी का ट्रीटमेंट से आई वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट इन 8 डेज। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर 11 डेज तक मुझे वहां रखा था। 11th डे को मुझे डिस्चार्ज दिया गया। इस दौरान मेरे फैमिली मेंबर्स का भी डॉक्टर मनीष मोटवानी जी ने घर पे से ही टेस्ट करवाया। उनको बोला था होम क्वारंटाइन होने के लिए, उनका घर पे से टेस्ट अरेंज करवा के दिया। उनको घर पे एक मिनिमम कोर्स जो प्रिकॉशनरी मेजर पे करवाते हैं बच्चे को, सीनियर सिटीजन को, मेरे हस्बैंड को, अकॉर्डिंगली वो कोर्स उन्होंने दिया। मेरा भी सारा ट्रीटमेंट उन्होंने देखा। टाइम टू टाइम मुझे जो भी मेडिसिन लग रहे थे, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर भी कोई नहीं आ पा रहे थे मुझे मेडिसिन देने के लिए, तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया। उनके स्टाफ मेंबर्स ने सारा ध्यान रखा। आई डिड नॉट मिस माई फैमिली इवन अ सिंगल डे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे फैमिली मेंबर नहीं है तो मेरा कोई ट्रीटमेंट रुकेगा। या कभी अगर मनी ऊपर नीचे डिपॉजिट होता था एक दिन आगे पीछे, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट नहीं रोका। एक दिन के मनी डिपॉजिट के इसमें भी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली ऑन रखा। स्टाफ मेंबर्स वर ऑल एक्सेलेंट। कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई। मावशी से लेके, वार्ड बॉय से लेके, हर एक पर्सन वहाँ का कोऑपरेटिव था। डॉक्टर मनीष जी ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी। जब ट्रीटमेंट की बात आती है, उन्होंने इतना रिलैक्स करवा दिया। एंड जब हील हो गया तभी हमको समझा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ट्रीटिंग डॉक्टर अच्छा हो तो आप अच्छे से बाहर आ सकते हैं। वो जब भी आते थे एक पॉजिटिव नोट देकर जाते थे, एक पॉजिटिविटी देकर जाते थे। तो जो कोरोना में हमको डर लग जाता है और जो नेगेटिविटी की वजह से हम और बीमार होते हैं, बहुत इजीली हम बाहर आ जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि किसी को भी हो तो वो डेफिनेटली आस्था हेल्थ केयर में जा सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट के लिए। एंड इसी दौरान मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर हिरेन देडिया, इनको भी कोरोना हुआ था। तो मेरे डिस्चार्ज होने के बाद उनको हुआ था, तो वो भी वहीं पर गए थे। उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा। मेरी सिस्टर को बिल्कुल टेंशन नहीं थी, ना उनकी बच्ची को टेंशन था। आई वांट टू थैंक डॉक्टर मनीष मोटवानी, द एंटायर स्टाफ ऑफ आस्था हेल्थ केयर एंड एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वार्ड बॉय टू मौसी टू द ट्रीटिंग स्टाफ मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड डॉक्टर मनीष मोटवानी फॉर एक्सेलेंट ट्रीटमेंट, फॉर टेकिंग केयर at each and every step and to give us all the feeling like कि हम घर पे ही हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है and हम heal होके घर पे जाएंगे। Thank you so much everyone for taking care of us at such a complex time.